हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सोरघम के इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सोरघम जो होता है उसमें लगभग 150 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट अटैक करते हैं, बट डजन इंसेक्ट्स ही ऐसे होते हैं जो कि सोरघम के प्रोडक्शन को इफेक्ट पहुंचाते हैं, मींस नुकसान पहुंचाते हैं। जो सोरघम को अटैक करते हैं उन इंसेक्ट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बोरर पेस्ट में। बोरर मतलब कि जो ऐसे इंसेक्ट या पेस्ट जो कि स्टेम में छेद करते हैं और प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है ईयर हेड फीडर्स, मतलब जो सोरघम का ईयर हेड होता है उसको खा जाते हैं। तीसरे होते हैं सैप फीडर्स, मतलब उनके सेल सैप को सक करते हैं। चौथा होता है डिफोलिएटर्स, मीन्स जो लीफ फोलियज पार्ट को खाते हैं या फिर उनको शेड ऑफ कर देते हैं। और फिफ्थ है नॉन इंसेक्ट पेस्ट, मतलब कि ऐसे पेस्ट जो कि इंसेक्ट्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इंसेक्ट है सोरघम शूट फ्लाई। सबसे मेजर इंसेक्ट है ये सोरघम का। इसका साइंटिफिक नेम है एंथेरिगोना वेरिया सोकाटा। इसकी फैमिली है मस्कीडी और ऑर्डर है डिप्टेरा। ये सबसे मेजर पेस्ट है सोरघम का, जो जितने भी एरियाज है जहाँ पे सोरघम लगाया जाता है, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहां ये अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अल्टरनेट होस्ट हैं मेज, रागी, वीट और बाजरा। ये मोस्टली खरीफ सीजन के लेट सीजन में ही अटैक करता है। इसका जो एडल्ट होता है वो नॉर्मल जो हमारे हाउस फ्लाई होती है उनकी तरह ही दिखता है, थोड़ा सा उनसे छोटा होता है और ग्रेश कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रेश कलर का। अब उनकी लाइफ स्टेजेस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वो जब एग ले करते हैं व्हाइटिश कलर की, सिलेंड्रिकल शेप की होते हैं, और जो यंगर लीव्स में जो नई नई पत्तियां होती हैं वहां पे ही वो एग को ले करते हैं, और 1 से 2 दिन बाद इनके एग की हैचिंग हो जाती है, फिर लार्वा बन जाता है। लार्वा जो होता है इनमें, लार्वा की 4 लार्वल इंस्टार्स बनते हैं। इनके लार्वा को हम मैगट्स बोलते हैं, और जो मैगट्स होते हैं वो येल्लोइश कलर के होते हैं, और वो 6 से 12 डेज बाद प्यूपा में बदल जाते हैं। फिर जो प्यूपेशन होता है वो कहाँ होता है? स्टेम के बेस में होता है, और 6 से 8 दिन बाद प्यूपा जो होता है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है, और फिर वो हाउस फ्लाई की तरह नजर आने लग जाता है, ग्रेश कलर का। अब सोरघम शूट फ्लाई के डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं। तो इसका जो मैगेट्स होता है वो क्या करता है? अटैक करता है सोरघम प्लांट में। वो क्या करता है? स्टेम में छेद कर देता है, होल कर देता है और उसके अंदर घुस जाता है। और जो सेंट्रल शूट है, मींस बीच के जो शूट का पार्ट होता है, उसको वो सुखा देता है, और उसी कारण हमें उसमें डेड हार्ट सिम्टम देखने को मिलता है। और जितने भी अफेक्टेड इन्फेस्टेड प्लांट होते हैं उनमें साइड टिलर्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके के। नेक्स्ट इनका मैनेजमेंट देखते हैं। ETL मींस इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, मींस अगर हम इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल में आने के बाद हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे इस पेस्ट को, तो वो हमारे क्रॉप को डैमेज पहुंचाएगा। इसलिए ETL में पहुंचते ही हमें उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो इसका ETL लेवल है 1 egg per plant। अगर हमें एक प्लांट में एक एग दिखेगा, और लगभग 10% प्लांट्स में ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब इसे मैनेजमेंट करने का टाइम आ गया है। तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? हम अर्ली सोइंग कर सकते हैं सोरघम का, और हम जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको सीड पैलेटेड के साथ यूज कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड से। हम प्लोइंग कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के तुरंत ही बाद, और साथ में हम रिमूव कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सारे स्टबल्स को। हम लो कॉस्ट फिश मिल ट्रैप यूज कर सकते हैं, और हम इंसेक्टिसाइड में मिथाइल डिमेटोन और साइपरमेथ्रिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेस्ट है हमारा स्टेम बोरर। इसका साइंटिफिक नेम है चिलोपर्टेलस, फैमिली है क्रैम्बिडी, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस देखते हैं। ये मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया ऐसे ही कंट्रीज में पाया जाता है। होस्ट स्ट्रेन इसके हैं मेज, सोरघम, शुगर केन, बाजरा, राइस, फिंगर मिलेट एक्सेट्रा। अब इनका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इनके जो एग होते हैं ये स्केल लाइक होते हैं और फ्लैट ओवल लाइक होते हैं, व्हाइटिश कलर के। फिर इनका जो लार्वा होता है वो येलोइश ब्राउन होता है, उसका ब्राउन डार्क ब्राउन हेड होता है, और इसका जो एडल्ट होता है वो मीडियम साइज मॉथ होता है, जो कि स्ट्रॉ के कलर का होता है। इनके डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं। इनमें क्या होता है? डेड हार्ट सिम्टम देखने को मिलता है। पूरी जो ऊपर का शूट होता है वो मुरझा जाता है सूख के, और मिड रिप में रेड माइनिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे ही बोर किए होते हैं ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो,
और ये वहां रहने लग जाते हैं। और जितने भी टेंडर मतलब कि जो पतली पतली पत्तियां होती हैं, नाजुक नाजुक पत्तियां होती हैं, वहां पे ऐसे शॉर्ट होल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनका मैनेजमेंट देखेंगे तो इनको मैनेजमेंट करने के लिए हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं लबलब या फिर काउपी से 4:1 के रेशियो में, जिसमें सोरगम 4 रहेगा और काउपी 1 रहेगा। और हम लाइट ट्रैप्स को सेटअप कर सकते हैं ताकि हम उन्हें कलेक्ट कर सकें और किल कर सकें। और हम इंसेक्टिसाइड्स को सैंड में मिला के 50 kg पर हेक्टर सैंड में मिला के भी यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में हम यूज कर सकते हैं 4-8, कार्बोफ्यूरन, कार्बरिल। अब हमारा थर्ड नंबर का इंसेक्ट है पिंक स्टेम बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम है सिसेमिया इन्फेरेंस, फैमिली है नॉक्टुडी, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, बर्मा, बांग्लादेश, ये सब जगह ज्यादा पाया जाता है। होस्ट रेंज है इनका सोरघम, मेज, राइस, वीट, शुगर केन। अक्सर जो पेस्ट सोरघम में अटैक करते हैं वो मेज में भी अटैक करते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। एग जो होते हैं ये बीड्स लाइक होते हैं, ऐसे रोज में लाइन से लगे हुए होते हैं। और लार्वा जो होता है ये पिंकिश कलर का होता है हल्का, और जिसका हेड जो होता है वो डार्क पिंक कलर का होता है। और एडल्ट जो होता है ये अगेन एक मोथ है और स्ट्रॉ कलर का होता है, और इसके जो पंख होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। सिम्टम ऑफ डैमेज में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि ये जो शूट्स होते हैं सेंट्रल शूट्स वो सूख जाते हैं और डेड हार्ट बन जाता है। और इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम एग पैरासिटॉइड का यूज कर सकते हैं, टेरेनोमस स्पीशीज, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, और इसमें हम लार्वल पैरासिटॉइड का भी यूज कर सकते हैं, एपेंटेलिस फ्लेविपस और ब्रेकॉन हैबिटर। और इसके साथ साथ हम प्यूपल पैरासिटॉइड का भी यूज करते हैं, टेट्रास्टिकस अयारी। ये पैरासिटॉइड्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। हम साथ में क्लोरपाइरीफॉस का स्प्रे भी कर सकते हैं, और कारटाप हाइड्रोक्लोराइड भी इंपॉर्टेंट स्प्रे है इसके लिए। अब हमारा फोर्थ नंबर का इंसेक्ट है शूट बग। शूट बग का साइंटिफिक नेम है पेरेग्रिनस माइडिस, इसकी फैमिली है डेल्फिसिडी, ऑर्डर है हेमिप्टेरा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। होस्ट रेंज अगेन सेम सोरघम, मेज, राइस और मिलेट्स। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इनके जो एग होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और लीफ के टिश्यू में होते हैं, और ये व्हाइटिश टाइप के वैक्सी सब्सटेंस से कवर्ड होते हैं। और इनका जो एडल्ट होता है वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है, और उनका जो डार्क ब्राउन तक भी जाता है इसका कलर। और जो इनके विंग्स होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब पूरे ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते हैं, हल्के हल्के से ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। इनका डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले जो प्लांट होता है वो बहुत अनहेल्दी सा नजर आने लग जाता है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, प्लांट्स पीले पड़ने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं नीचे की तरफ से, और इनमें हनी ड्यू जैसा चिपचिपा सब्सटेंस भी सिक्रीट होता है। और पैनिकल फॉर्मेशन भी रुक जाता है, प्लांट जो होते हैं जो अगर सीवियर अटैक होता है तो मर भी जाते हैं। इनका मैनेजमेंट देखते हैं। हम इसे एग पैरासिटॉइड से मैनेज कर सकते हैं, जिसका नाम है पेरेनेग्रस ऑप्टेबिलिस, प्रीडेटर है मीन्स इनको जो फीड करते हैं वो है कॉक्सिनेला, सेप्टम, पंक्टेटम, जियोकॉरिस, ट्राइकोला। अब इसमें हम क्या स्प्रे कर सकते हैं, डाइमेथोएट और मिथाइल डेमेटोन 500 ml इन 500 L ऑफ वाटर भी हम यूज कर सकते हैं इन्हें मैनेज करने के लिए। फिफ्थ है ईयर हेड बग। ईयर हेड बग, इसका साइंटिफिक नेम है कैलोकॉरिस एंगुस्टेटस, इसकी फैमिली है मेरिडी, ऑर्डर है हेमिप्टेरा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। इसकी होस्ट रेंज है पर्ल मिलेट, मेज, शुगर केन एंड ग्रास। इनका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसके एग जो होते हैं वो एकदम स्फीयर, एकदम गोल होते हैं, क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं, और सिंगल सिंगल ही ये एग ले करते हैं। इनके लार्वा जो होते हैं ये थोड़ा ग्रीनिश से ब्राउन कलर तक का दिखता है, और इसमें डार्क ब्राउन या ग्रे लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस प्रेजेंट होती हैं, और जो प्यूपा होता है वो उसका ब्राउन कलर का होता है। और ये क्या करता है, सॉइल के सरफेस पे या फिर लीफ में या क्रॉप के जो डेब्रिस में मिल जाता है हमें। एडल्ट जो होता है ये लाइट कलर का होता है, थोड़ा पेल ब्राउन कलर का, और काफी बड़ा होता है इनका एडल्ट। और फोर विंग्स जो होते हैं इसके ऑलिव ग्रीन या ब्राउन कलर के होते हैं, और इसमें हमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन सर्कुलर स्पॉट भी देखने को मिलता है। और जो हाइंड विंग्स होते हैं वो पेल स्मोकी व्हाइट कलर के होते हैं, और इसमें ब्लैकिश आउटर मार्जिन भी बनी होती है।
अब इनकी सिम्टम्स देखते हैं। जो ये ईयर हेड बग होता है वो पूरे ईयर हेड को सोरघम की खा जाता है और चौकी अपीयरेंस भी देखने को मिलता है और हमें इसमें फेकल पैलेट्स भी देख सकते हैं। फेकल पैलेट मीन्स जो इसका एक्सक्रीटा होता है वो भी हमें ईयर हेड्स में विजिबल होता है। इनका मैनेजमेंट देखते हैं। हम इसके मैनेजमेंट के लिए लाइट ट्रैप्स को सेट कर सकते हैं ताकि जो मिड नाइट में अंधेरे के टाइम लाइट देख के जो इंसेक्ट होंगे वो अट्रैक्ट होंगे लाइट ट्रैप की तरफ और फिर हम उन्हें आसानी से कैप्चर करके किल कर सकते हैं। और हम इसके लिए सेक्स फेरोमोन ट्रैप का यूज कर सकते हैं। जितने भी मेल मोथ होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इससे, फिर अगेन हम इन्हें कैप्चर करके किल कर सकते हैं। और इनके मैनेजमेंट के लिए हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का भी यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 एप्लीकेशंस नीडेड होता है 10 डेज के इंटरवल में इसके मैनेजमेंट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट इंसेक्ट है सोरगम मिर्च। सोरगम मिर्च का साइंटिफिक नेम है कॉन्ट्रेनिया सॉर्गिकोला। इसकी फैमिली है सेकिडोमाइटी, ऑर्डर है डिप्टेरा। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसका जो एडल्ट होता है वो छोटा सा होता है, फ्लाई होती छोटी सी, और ब्राइट ऑरेंज कलर का इसका एब्डोमेन होता है और जो विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनका सिम्टम ऑफ डैमेज देखते हैं। ये क्या करते हैं, एग लेइंग के कारण जिनके पॉलन होते हैं वो झड़ जाते हैं और हमें व्हाइट प्यूपल देखने को मिलता है। जो उनके प्यूपा होते हैं वो देखने को मिलते हैं ग्रेन से बाहर आते हुए और ग्रेन्स जो होते हैं वो चाफी बन जाते हैं, मींस खोखले बन जाते हैं क्योंकि इनमें होल्स डेवलप कर देते हैं ये। इनका मैनेजमेंट देखते हैं। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइट ट्रैप्स की हेल्प से। उसके बाद हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं फोसेलॉन का 4D 25 kg/ha। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का भी यूज कर सकते हैं और हम सोरघम को इसकी सोइंग को जल्दी से हम लोग को शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि जो हम ज्यादा फ्लावरिंग होगी तो इससे जितने भी मिज होंगे वो ज्यादा अटैक कर पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसके सोइंग को खत्म करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ सोरघम। अब हम थोड़ा इसे समराइज कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में हमने सोरघम के इम्पॉर्टेंट पेस्ट के बारे में पढ़ा, उनका साइंटिफिक नेम, फैमिली, ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टरनेट होस्ट, आइडेंटिफिकेशन, उनके सिम्टम्स ऑफ डैमेज और मैनेजमेंट देखा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आगे आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू।